सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर फिटनेस चैनल सलमान दौलगढ़ फिटनेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बॉडी की जो हीट है, जो गर्मी है, उसे कैसे निकालें, जिसे पित्ता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अपने बहुत से अलग अलग तरह के इलाज तो देखेंगे, मगर दोस्तों ये निकलती नहीं है। आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, आपको ओवर हीटिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और दोस्तों अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो दोस्तों आपको ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो दोस्तों इसे किस तरह से कम करें, हम आज इसी का सलूशन ले गए हैं। आज हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिसको यूज़ करके आप दोस्तों आपकी बॉडी की जो हीट है निकाल सकते हैं, आपकी बॉडी को आप डिटॉक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है तो दोस्तों ये है कि आपको 10 ग्राम राइस लेनी है, चावल लेने हैं, और उसमें 70 ml पानी, यानी मिनिमम 1 ग्लास पानी आपको उसमें ऐड करना है। एक आप उसको एक लोटे में डाल सकते हैं और दोस्तों उसे झाँक कर 8 से 10 घंटे आपको रहने देना है। उसके बाद दोस्तों उसे छेनी से छान लेना है दोस्तों, और उस पानी को आपको पी लेना है। उसमें उसे ना फ्रिज में रखना है, ना उसे संभाल कर रखना है, उसे निकालते से आपको पी लेना है दोस्तों। इसकी वजह से ये होता है कि जो चावल होते हैं उसमें विटामिन भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, जो आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखता है, कूल रखता है। और दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि जो चंदन होता है, जो आपका चंदन पाउडर होता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर या किराना स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से ला सकते हैं। तो दोस्तों चंदन पाउडर को आपको उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करना है, और दोस्तों आपको उसे आपकी पेशानी पर, आपके हेड पर लगा लेना है। और दोस्तों अगर आपके फेस पर पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उसे लगा सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो चंदन है वो बहुत ही लाभदायक है, और बहुत पुराने ज़माने से वो चलता आ रहा है, उसे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है दोस्तों, जब भी इंडिया में चंदन इतना ज़्यादा बिकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो चंदन होता है वो आपकी बॉडी की हीट खींच लेता है, और आपका जो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, तब भी आप अपने माइंड पे, आपके अपने सर पर आप चंदन लगा सकते हैं, जिससे आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, जिसकी वजह से आपका माइंड ठंडा रहता है। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये था। और दोस्तों जो तीसरा तरीका है, अभी फ़िलहाल तो धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक डिब्बा लेना है दोस्तों, और उसमें आपको उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा उसमें वाटर डालना है, 2 से 3 लीटर आपको वाटर डालना है। और दोस्तों उसे पानी को ठंडा करने के लिए उसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी आप डाल सकते हैं, और दोस्तों उसमें आपको मिनिमम 1 घंटा 1 आवर आपको उसमें आपके जो पैर है वो डालकर बैठे रहना है, और उसमें बीच बीच में दोस्तों आप उस अपने पैरों की मसाज भी कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा हीट कम हो जाएंगी। और दोस्तों ये बहुत ही पुराना घरेलू तरीका है ये पानी का, तो दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहा है, आपकी फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहा है, तो दोस्तों ये 100% दोस्तों बॉडी की ओवर हीटिंग की वजह से ही होता है। तो दोस्तों आप ये तरीके आप स्पेशल आजमा के देखें। और दोस्तों बात की जाए ठंडी चीज़ों की, तो दोस्तों जो आप फ्रिज का पानी पीते हैं या बर्फ़ की या कोई भी ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो दोस्तों वो होते तो ठंडे हैं मगर वो आपकी बॉडी में हीट बढ़ाते हैं दोस्तों, तो उन्हें भूलकर भी यूज़ ना करें, ना फ्रिज का पानी भी आप यूज़ ना करें। और दोस्तों अगर आपको कोई ठंडी चीज़ खानी है, तो दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे कुदरती जो चीज़ है वो है दोस्तों कोकोनट वाटर। दोस्तों कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा होता है, और दोस्तों ये आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हील करता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग आपकी बॉडी को पहुँचाता है। तो दोस्तों आप कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा मिर्च मसाले, नमक, नमकीन आप ना खाएं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ओवर हीटिंग हो। दोस्तों जो आपका स्वीट्स होता है, जो आप मीठी चीज़ें खाते हैं दोस्तों, वो भी आपकी बॉडी को ठंडा रखती है, आपकी बॉडी में कूलिंग देती है। तो दोस्तों आप ठंडी चीज़ें बिंदास खा सकते हैं, स्वीट्स आप खा सकते हैं। और दोस्तों जो कड़वी चीज़ें, नीम हो गया या करेला होगा, ये भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंड पहुँचाती है, तो आप ये भी खा सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं। सिर्फ मिर्च मसालों से आपको बच के रहना पड़ेगा, मटन, चिकन, एग्स, इससे भी आपको बचना पड़ेगा अगर आपको बॉडी की हीटिंग कम करनी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।